डीसीपी राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी ने एसएचओ अत्तापुर के साथ आज बकरीद के पेश नजर कुरैशी ब्रादरान के साथ मुलाकात करते हुए उनके साथ एक मीटिंग मुनाकिद की और कई अहम उमूर पर और इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। 29 तारीख को अपना आप लोग बकरीद सेलिब्रेशन है, इसके सिलसिले में अपने को आप बोले सब ऐसा तकलीफ हो रहे जानवर को लाने में, वहाँ से जो आप खरीद करते वहाँ से यहाँ लाने में कई जगहों से अपने को जानवर आते, इसमें आप लोग दो तीन चीज़ याद रखना है। इसमें क्या होता, आपको जानवर कहाँ से ला रहे हैं उसको राहदारी चिट्ठी मिलता, आप बराबर राहदारी चिट्ठी लगा दीजिए। कोई आप बोले सो वैसा कोई अननोन आदमी रुके तो वहाँ पुलिस वाले भी इंटरसेप्ट हो गए, हमारा चेक पोस्ट भी लगा है। ये बीच में अगर कोई रुके हमारा पुलिस को 100 डायल को कॉल करो, हमारा लोग भी वहाँ अगर कहीं जगह आप पुलिस नहीं है आप 100 कॉल करें तो हमारा पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते दो तीन मिनट। सो उसके बावजूद भी अगर हमारा पुलिस वाले ये बकरीद को नज़रअंदाजा में हमारा रखते हुए अपना काटेदान एरिया में एक अपना कैटल पॉइंट ओपन करे, आपको मालूम है नहीं मालूम है, आप मेरे को नहीं मालूम जी ना मालूम, हाँ मालूम है ना। अभी जो भी जानवर की गाड़ी हम पकड़ते हैं हम वहाँ बेच रहे हैं, आप गाय को कैसे तो भी नहीं ला रहे, आप गाय को नहीं ला रहे और जो भी भैंस है जो भी है आप ला रहे उसका राहदारी चिट्ठी बताना है। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है बोले तो हम भी खुद देखे हैं चेक पोस्ट में ठहर के गाड़ी को पकड़े तो कोई नहीं रहता, उसमें ड्राइवर रहता क्लीनर कभी रहता कभी नहीं रहता, वो पूरा सामने एक गाड़ी मॉनिटरिंग करके आता वो गाड़ी भाग जाता। हमारे को कई इतने बार मैं खुद फील्ड में मैं पकड़ा कहीं भी कोई चिट्ठी नहीं दिखा, 80-80 जानवरों को ऐसे डाल देते। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के ऊपर हम जो भी है केस करके गौशाला में आप फिर बाद में कोर्ट को जाके अदालत को पेश करते, आप जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते आपको दे रहे हैं कोर्ट से। अगर ऐसा नहीं है आप कुछ भी चिट्ठी नहीं है आप जानवर को लेने जा रहे बोलो तो ये तकलीफ आ जाता, बराबर आप चिट्ठी लगा दीजिए कोई नहीं रुकता। अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट भी है आपको ये वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफाई करके मोर डालता, आप उसके लिए जरा एजुकेट करो अपना लोगों को, अपन कानून के हिसाब से हम कानून को इस्तेमाल करना है, आपको भी सेंसिटाइज करना है, आपको जो चीज नहीं मालूम आप बताना हमारा फर्ज है। इसलिए आपको कहीं ऐसा मीडियम मूवमेंट कहीं बाहर भी मैं बहुत लोगों को बोलता अरे भाई क्यों भाग रहे भाई, आपको जानवर अगर खरीद करे आप सही खरीद करके आप जानवर को चिट्ठी रहता वहां पर वेटरनरी डॉक्टर का चिट्ठी है तो पूरा बता दो आप लेके जाओ, उसमें 60-80 घुसा के उसमें जान मर जाता वो क्रुएल्टी एक्ट बनता। आपको ये भी मालूम होना चाहिए आप ऐसा बोले दो तीन जानवर को एक गाड़ी में आप बुला बिल्कुल लेकर आ रहे थे, इसके रिकॉर्ड्स रहना है। और अभी आप अपने को आने सवालों में और एक सवाल आता, आप पूरा बस्तियों में यहाँ पर अपना 9 नंबर जलाल बाबा नगर एमएम पहाड़ी असन नगर इंदिरा नगर सुलेमान नगर जो अपने जो एरिया है आपको वो शास्त्रीपुरम वट्टेपल्ली उसके बाद में अपने को अकबर हिल्स सो यहाँ पर गोल्डन हाइट्स जो भी एरिया है वहाँ पर आप जानवर को बांधते जरा रस्सी अच्छे तरीके से आप लोग क्या करते उसको मैं गया वो लेके गया वो क्या बोलते हैं उसको टूट जाता वो चीज़ को आप रखना चाहिए। अगर कोई सिविलियन वहाँ पर आए अगर उसको क्वेश्चन करे तो हम हेलो नहीं करते ऐसा, वो कोई भी आदमी कानून को अपना हाथ में या आप समझो कोई बाहर वाले समझो आप बोले सो वैसा उसको भी केस में हम बुक कर रहे हैं। वैसा भी जो लोग गाड़ी को अगर रख नहीं वो लोग अगर गाड़ी को इंटरसेप्ट करके रोके अगर आपको तकलीफ दिए वो लोग के ऊपर भी केस कर रहे हैं, हम केस के साथ हम अरेस्ट भी कर रहे और चार्जशीट भी कर रहे। जो भी कानून को अपना हाथ में लेते हैं वो लोगों को हम अच्छा हैंडल करने के लिए तैयार है, समझ गए। ये बात को आप ध्यान में रख दीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कर दीजिए,
आपको बकरीद आराम से चल जाएगा। 19 तारीख के दिन जो बकरीद अभी आने वाले दिन में है, उसके लिए आप कुछ भी तकलीफ है लोकल SHO को कॉल कर सकते हैं, आप ACP को कॉल कर सकते हैं, मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, हम अटेंड करने के लिए तैयार है। अभी रात के टाइम में मिडनाइट में 12-1 बजे को चोर वैसा लाना है, जरूरत है आप जब डॉक्यूमेंट पे दिन के टाइम पे भी आराम से आ सकते हैं। आप कहीं भी चेक पोस्ट में, हमारा पुलिस चेक पोस्ट भी है, वहाँ पर आप बाज़ाब्ता रिसीट बसा सकते हैं, आप जानवर को ला सकते हैं डॉक्टर सर्टिफिकेट के साथ। अगर कोई भी गाड़ी का अब सर्टिफिकेट नहीं, आप जब का जब नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम कैटल पॉइंट को ला रहे हैं, वहाँ पर आपको 24 घंटे एक डॉक्टर को रख रहे हैं, वेटरनरी डॉक्टर, वो जब का जब सर्टिफाई करेगा, आप वो बाइस या जो भी है उसको अगर आप खरीद करें सो ऐसे चिट्ठी बता के डॉक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से वहाँ ले लेके आपका जानवर को आप ले सकते। ये ध्यान में रखते हैं, पुलिस वाले को अच्छा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए, हम आपके लिए कुछ भी आपको जो तकलीफ करता है हम उसका देख लेंगे, कानून के हिसाब से जो भी केस लगाना है हम लगाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कानून को अपने हाथ में ले लेना। आज अपना आतापुर एरिया में जो बकरीद का जो ईद है, वो ईद के लिए जो क्या क्या अपन थोड़ा अच्छा प्रिकॉशंस लेना है, जो दूसरा आदमी को अगे नए होने के लिए जो क्या क्या करना है वो पूरा करने के लिए अभी अपना राजनगर जोन का DCP साहब जनाब श्री जगदीश्वर रेड्डी साहब आए हुए तो अपने सामने, तो साहब अपना DCP साहब है और साथ में ACP साहब राजनगर का जनाब श्री गंगाधर साहब है। तो आप लोग ये बकरीद के बारे में थोड़ा क्या क्या आपको बताना है, तो आपसे जो कुछ रिप्रेजेंटेशन है तो वो भी आप लेने के लिए हम आज का मीटिंग जो लगाए सो है, जो ये मीटिंग में आप पूरा इन्वॉल्व होके तो साहब जो बताता है जो बताने का जो प्रिकॉशंस है जो इंस्ट्रक्शंस है और जो जैसे अपना पुलिस को क्या सपोर्ट करना है, अपने से क्या सपोर्ट लेना है, जो एरिया में कैसे रहना है सोसाइटी में, ये पूरा आपको जो मालूम करने के लिए आपसे जानबूझ के पूरा बात करने के लिए साहब आज आए सो है। तो आप लोग पूरा आपका बात सेक्शन और सुन के जो अपना एरिया में और जो ज़्यादा प्रवेशी लोग अन्याय उनकी जो बारिश आ रहा था अभी न्याय जो आए सो और जो न्याय सो वालों को भी आप लोग जो बता के जो अपना एरिया में जो आगे से कंटेनरी का ईद है वो ईद को अच्छा तो बना के जो बिना कुछ भी या अपने एरिया में कुछ मॉडल नहाने के जैसा अच्छा मिलके जुलकर रहने के लिए आप जो इंस्ट्रक्शन से पता थे आप जो इंस्ट्रक्शन सुन के जो उनका डाल के आगे बढ़ना उनके हम माता को कौन सी तरफ से बता साहब अभी DCP साहब तो एक बार फिर बात करते हैं। उससे पहले आप कुछ जो बात करना है तो आप बात कर सकते हैं।